हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के अपकमिंग शो के बारे में, जिसका नाम है कभी कभी इत्तेफाक से। तो गाइज़, इस शो में मनन जोशी और यशा रुगानी मेन लीड्स प्ले कर रहे हैं। इसी के कुछ डिटेल्स के बारे में, कुछ नए अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे टाइम स्लॉट के बारे में, कौन सी टाइम स्लॉट इस शो को मिलने वाली है या फिर क्या बातचीत चल रही है चैनल में इसकी टाइम स्लॉट के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि स्टार प्लस का एक पॉपुलर शो अपनी टाइम स्लॉट जो है वो लूज़ कर सकता है, जो कि प्राइम टाइम स्लॉट पर आता है। और अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि मैं कौन से शो की बात कर रहा था उस वीडियो में। तो उस वीडियो में मैं साथ निभाना साथिया के सीज़न 2 के बारे में बात कर रहा था, और वो वीडियो मैंने काफ़ी हफ्ते पहले डाली थी। और मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी काफ़ी हो सकती है कि साथिया 2 को अपनी टाइम स्लॉट जो है 9 बजे की, वो दूसरे शो को देनी पड़े, यानी कि कभी कभी इत्तेफाक से को देनी पड़े। तो इसी पर अब मैं अपडेट लेकर आया हूँ। तो गाइस, पहले तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे पहले देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए। तो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम कभी कभी इत्तेफाक से की टाइम स्लॉट के बारे में बात करें तो एक तो पॉसिबिलिटी यही है कि उसको साथिया 2 की टाइम स्लॉट मिल सकती है, यानी कि 9 बजे की प्राइम टाइम स्लॉट। एक्चुअली जो शो के मेकर्स हैं कभी कभी इत्तेफाक से के मेकर्स, वो खुद ये चाहते हैं, उनकी ये मांग है कि उनको 9 बजे की प्राइम टाइम स्लॉट मिले। तो वो ये मांग रहे हैं चैनल वालों से। चैनल वालों को भी लगता है कि इस शो में काफ़ी पोटेंशियल है, तो हो सकता है वो इनको 9 बजे की टाइम स्लॉट दे दें। लेकिन चैनल यानी कि स्टार प्लस के पास सेकंड थॉट्स भी आ रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि जो अर्ली टाइम स्लॉट्स हैं, चीकू की मम्मी दूर की या फिर जिंदगी मेरे घर आना, उनकी टाइम स्लॉट वो दे सकते हैं कभी कभी इत्तेफाक से को। तो स्टार प्लस वालों के पास अब ये सेकेंड थाट्स भी आ रहे हैं, तो वो ये भी सोच रहे हैं। और मेकर्स जो हैं इस शो के, वो मांग रहे हैं 9 बजे की टाइम स्लॉट। तो अभी के लिए कोई भी फाइनल डिसीजन जो है स्टार प्लस ने नहीं लिया है। बाकी मेहंदी रचने वाली भी ऑफर जा रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चीकू की मम्मी दूर की मेहंदी रचने वाली की स्लॉट पे आए और उसकी स्लॉट पे जो है कभी कभी इत्तेफाक से को मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी इत्तेफाक के जो मेकर्स हैं वो 9 बजे की टाइम स्लॉट मांग रहे हैं, जहाँ पर साथिया 2 आता है। अगर साथिया 2 की टाइम स्लॉट मिलती है इस नए शो को, तो साथिया 2 बंद नहीं होगा, लेकिन साथिया 2 को अर्ली टाइम स्लॉट दे दी जाएगी। तो गाइस, ये सब चल रहा है बिहाइंड द सीन्स इस शो को टाइम स्लॉट देने के पीछे। अभी के लिए स्टार प्लस ने डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन इसका एक नया प्रोमो भी अभी लॉन्च किया था स्टार प्लस वालों ने, लेकिन अभी के लिए टाइम स्लॉट का फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में स्टार प्लस इसका फाइनल डिसीजन ले लेगा, और उसके बाद आपको मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि स्टार प्लस ने फाइनल डिसीजन क्या लिया है। अभी के लिए तो यही सब चल रहा है कि स्टार प्लस सोच रहा है कि कौन सी इसको टाइम स्लॉट दे, फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन जो इस नए शो के मेकर्स हैं, वो चाहते हैं शो को अच्छी टाइम स्लॉट 9 बजे की टाइम स्लॉट मिले। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि साथिया 2 अपनी टाइम स्लॉट को खो सकता है, लेकिन नहीं भी खो सकता अगर स्टार प्लस इसको अर्ली टाइम स्लॉट देने के लिए मान जाए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, कौन से शो की टाइम स्लॉट चेंज होगी, कौन सा शो ऑफर जाएगा, कौन से शो को कौन सी टाइम स्लॉट मिलेगी। तो अभी के लिए यही अपडेट था इस शो पे लेटेस्ट। इस पे जो और इन्फॉर्मेशन होगी आने वाले दिनों में, उस पे मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप स्टार प्लस की सारी लेटेस्ट न्यूज़ से बने रहें। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो शेयर कर दीजिए स्टार प्लस के फैंस के साथ। कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन सी टाइम स्लॉट मिलनी चाहिए कभी कभी इत्तेफाक से सीरियल को। तो गाइज, यही था आपके अपडेट में। जैसा कि मैंने कहा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अगर आपको सारी लेटेस्ट इस पे और अपडेट्स चाहिए कभी कभी इत्तेफाक से की कौन सी टाइम स्लॉट होने वाली है। बस बाकी यही था इस वीडियो में, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय। बाकी आने वाले हफ्तों की TRP जो है वो इंटरेस्टिंग होंगी स्टार प्लस की, तो हो सकता है वो अगले हफ्ते की TRP से फाइनल डिसीजन अपना आखिरी जो है ले लें।